कॉलेज में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, कल मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पाठ्य सामग्री ज्ञान के बारे में अध्ययन करवाऊंगी। पाठ्य सामग्री ज्ञान हमने पहले पढ़ा था। पाठ्य सामग्री ज्ञान से पहले हमें विषय का ज्ञान होना अनिवार्य होता है, इसीलिए मैंने आपको पहले विषय ज्ञान के बारे में बताया था। विषय ज्ञान यानी कि विषय से संबंधित। अब जब हमारा विषय से संबंधित ज्ञान होगा, अर्थात जब हम शुरू में पढ़ाएंगे या पढ़ने के लिए तैयार होंगे या पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं, तो सबसे पहले हमें हमारी विषय से संबंधित नॉलेज होती है। अगर विषय से संबंधित नॉलेज होने के बाद में हम उसमें प्रयोग में आने वाली सामग्री का अध्ययन करते हैं कि हमें जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में या उससे संबंधित हमें कौन कौन सी सामग्री की चयन करना होता है, तो उसी को ही हम पाठ्य सामग्री ज्ञान कहते हैं। अर्थात हमारे पढ़ने से संबंधित वस्तुएं, यानी कि जो भी सामग्री यानी वस्तुएं, या हम इनको माध्यम कह सकते हैं, कि जो हम पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो पाठ्य सामग्री ज्ञान को हम सामान्य भाषा में जाने तो पाठ्य सामग्री ज्ञान वह ज्ञान होता है जो हमारे पाठ्य से संबंधित वस्तुएं होती हैं। जैसे हम कहें कि हमारे क्या क्या संबंधित होती हैं, हमारे विषय पढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, हमें क्या क्या सामान, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है। कहते हैं सबसे पहले तो शिक्षक अपने शामपट के बिना अधूरा होता है। हमें ब्लैक बोर्ड चाहिए होता है, हमें हमारे मार्कर चाहिए होते हैं, हमारी पुस्तक चाहिए होती, और जो भी हमारे पढ़ाने से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, यानी कि टीचर अपनी एक रणनीति के साथ तैयार होकर अपना पढ़ाने के लिए आते हैं, उससे संबंधित जो भी उन्हें सामग्री की आवश्यकताएँ होती हैं वो उनका चयन करते हैं और उसके माध्यम से वो उसको पढ़ाते हैं। तो पाठ्य सामग्री ज्ञान वह ज्ञान होता है जो हमारे विषय से संबंधित सामान होते हैं, इन्हें हम पाठ्य सामग्री कहते हैं। तो कहते हैं कि हमें पाठ्य सामग्री का ज्ञान होना अनिवार्य होता है जब हम विषय का ज्ञान कर रहे हैं, उनके लिए जिन वस्तुओं का चयन करना होता है उसका ज्ञान हमें पूर्ण रूप से होना चाहिए। अगर इन सामग्रियों का ज्ञान हम नहीं कर पाते हैं तो वो ज्ञान हमारा अधूरा ज्ञान होता है। इसीलिए इसके लिए हिल एंड बॉल जो कि एक वैज्ञानिक थे, एक शिक्षाविद थे, उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन खुद ने अपने शब्दों में लिखा था कि पाठ्यक्रम विषय सामग्री का ज्ञान है वास्तव में वो क्या होता है, मूल सामग्री का ज्ञान। हिल एंड बॉल ने कहा है कि क्या कहा हिल एंड बॉल ने कि पाठ्यक्रम विषय का, इन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम विषय सामग्री का ज्ञान मूल विषय का या मूल विषय सामग्री का ज्ञान होता है। ये इन्होंने पाठ्य सामग्री ज्ञान के बारे में अपनी परिभाषा दी। किसने दी है ये? हिल एंड बॉल ने। ये परिभाषा है हमारी, इन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम विषय सामग्री का ज्ञान मूल विषय सामग्री का ज्ञान होता है। अर्थात जो हम पढ़ाते हैं, जो हम कंटेंट तैयार करते हैं, उसका ज्ञान होता है वो ही हमें हमारी सामग्री का ज्ञान करवाता है। हम जानते हैं कि जब हम जो कार्य करते हैं, जो करवाना चाहते हैं, जो कार्य हम शुरू करते हैं, तो उस कार्य के लिए हमें किन सामानों की आवश्यकता होती है ये हमें कौन बताता है? वो विषय वस्तु, यानी कि उस विषय के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है ये हमें हमारा कंटेंट खुद बताता है कि हमें इन चीजों के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है। और उसी चीज की पूर्ति उन सामग्रियों का अध्ययन करता है कौन? जो विषय विशेषज्ञ होता है, वो उन चीजों को तैयार रखता है, उन चीजों को पूरी तरह से तैयार करता है कि आज उसे किस चीज की तैयारी करनी है। तो
फेरिन एंड इन्होंने जो परिभाषा दी है वो उन्होंने लिखा है कि पाठ्यक्रम विषय सामग्री वास्तव में क्या है। दोनों की जहां है यहां तो कहते हैं मूल सामग्री का ज्ञान होता है और यहां ये कहते हैं कि वो जो ज्ञान होता है हमारे पाठ्यक्रम विषय सामग्री का वो हमारी मूल सामग्री होती है। पाठ्यक्रम इन्होंने खुद ने कहा कि पाठ्यक्रम विषय सामग्री दोनों की परिभाषा में यही चीज है कि ये तो कहते हैं कि मूल विषय जो होता है वो हमारे सामग्री का ज्ञान होता है और ये कहते हैं कि जो हमारी मूल सामग्री होती है वही हमारी वास्तविक ज्ञान होता है। पाठ्यक्रम विषय सामग्री का ज्ञान वास्तव में मूल सामग्री होती है या मूल सामग्री की होती है। तो यही चीज इन्होंने कही है कि जो हमारा कंटेंट होता है जिसके लिए हम जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो हमारा एक ज्ञान होता है। इधर भी लिखा कि पाठ्यक्रम विषय सामग्री का ज्ञान ही वास्तविक रियल ज्ञान होता है कि हमें आखिर क्या चाहिए होता है, हम क्या पढ़ाना चाहते हैं, किस चीज की आवश्यकता होती है। ये हमारा जब तक कहते हैं कि विषय वस्तु का ज्ञान विदाउट हमारी पाठ्य सामग्री के ज्ञान के बिना हमारा वो ज्ञान अधूरा होता है। हमारा ज्ञान तभी पूरा होता है जबकि हमें उससे संबंधित समस्त जो भी उससे संबंधित समस्त सामग्रियों का ज्ञान होता है। कहते हैं कि बिना सामग्री के या हम कहें कि जब तक टीचर की सहायक सामग्रियां उसके साथ नहीं होती हैं तब तक टीचर का जो अध्ययन करवाते हैं वो अध्ययन हमारा अधूरा होता है। तो यही चीज इन्होंने बताई है। अब जो नेक्स्ट है इन्होंने कहा है कि जब हम विषय सामग्री का अध्ययन करवाते हैं स्टूडेंट को तो हमें सबसे पहले तीन चीजों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। वो तीन घटक होते हैं हमारे जिसके आधार पर हम अपनी पाठ्य सामग्री का अध्ययन कहते हैं। अब उन पाठ्य सामग्री ज्ञान को हम एक घटक का नाम दे सकते हैं कि किन घटक की हमें आवश्यकता होती है। ये घटक हमारे अलग होते हैं जिससे हम मानते हैं कि इनके तीन घटक होते हैं। कितने तीन होते हैं इनके घटक पाठ्य सामग्री ज्ञान के जो घटक होते हैं कि हमें इनके लिए किन किन तीन चीजों की आवश्यकता होती है, हम क्या क्या इन चीजों के लिए आवश्यक करते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा छात्र स्तर यानी कि छात्र स्तर पाठ्य सामग्री यानी कि जो भी हम विषय सामग्री छात्र स्तर पाठ्य सामग्री ज्ञान छात्र स्तर पाठ्यक्रम सामग्री ज्ञान यानी कि हम देखते हैं टीचर सबसे पहले क्या करते हैं यानी कि हमारे जो छात्र का स्तर होता है जो श्रम का जो स्तर होता है छात्र का सबसे पहले हम उसके आधार पर हमारा क्या करते हैं ज्ञान करते हैं यानी कि जब जिस क्षेत्र जिस मानसिक योग्यता अगर हम यहाँ कहें तो छात्र की मानसिक योग्यता प्राथमिक स्तर हम देखते हैं कि आज जो हम कंटेंट तैयार करते हैं जो पाठ्यक्रम जो तैयार होता है वो किसके आधार होता है छात्र के स्तर के अनुसार। अब हम देखें कि इसको हम राज्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आदि स्तरों पे हम इसका डिवाइडेशन करते हैं। जैसे कि जिस तरीके से जिस स्टूडेंट को जिस कंटेंट की आवश्यकता होती है जिस स्तर पर उसकी आवश्यकता होती है वही उसको पाठ्यक्रम दिया जाता है। हम सिंपल चीज में देखें कि आज जो हम पाठ्यक्रम पढ़ते हैं हम जो क्लास में पढ़ते हैं उसी के आधार पर हमारा कंटेंट तैयार होता है कि हमें आज क्या पढ़ाना है। हमारा विषय वस्तु चयन होता है हमारा विषय वस्तु का पाठ्यक्रम तैयार होता है। दूसरा हम देखें कि हम कोई भी कंपटीशन वगैरह हम देते हैं तो हमारी जहाँ जिस कंटेंट की आवश्यकता होती है चाहे राज्य हो अगर उस कंपटीशन में राज्य जी के आए तो हम राज्य जी के पढ़ते हैं कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय यानी कि हमारा जो कंटेंट जिस लेवल का होता है या हमारा पाठ्यक्रम होता है या छात्र जिस स्तर पे अपनी परीक्षा दे रहा है उस स्तर के आधार पर उसका कंटेंट तैयार होता है। तो सबसे पहला होता है कि जो छात्र होता है छात्र के स्तर के आधार पर हम अपना पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। सेकंड होता है जब छात्र स्तर का पाठ्यक्रम तैयार होता है तो वो पाठ्यक्रम
यह हमारा होता है व्यापक का मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं विस्तार पूर्वक। विस्तार पूर्वक हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। उन्नत पाठ्यक्रम में हम पूरा जो भी पाठ्यक्रम करते हैं वो हमारा पाठ्यक्रम होता है विस्तार पूर्वक। हम जिस चीज का यहाँ विस्तार कहते हैं कि यहाँ तो हमारा छात्र स्तर के आधार पर हो जाता है। अगर हमें राज्य स्तर की जरूरत है तो हम उसका अध्ययन करते हैं, राष्ट्रीय स्तर की जरूरत होती है तो उसको पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा उन्नत पाठ्यक्रम में यहाँ पर हमारा स्तर क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है। यानी कि जो विषय हम पढ़ाना चाहते हैं उसका अध्ययन हम विस्तार पूर्वक करते हैं, पूर्ण रूप से हम उसका अध्ययन करते हैं। अब थर्ड आता है हमारा, फर्स्ट था हमारा छात्र स्तर, सेकंड है हमारा उन्नत पाठ्यक्रम, और थर्ड आ जाता है हमारा गहन पाठ्यक्रम। गहन पाठ्यक्रम सामग्री ज्ञान, यानी कि यहां हमने छात्र के स्तर के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम का चयन किया। सेकंड हमने जो वो चयन किया है जो पाठ्यक्रम, उसको हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक समझते हैं, यानी कि उसकी किस आधार पर हम उसका कार्य करते हैं। जब विस्तार से करते हैं, जब हम किसी कार्य को विस्तार पूर्वक करते हैं तो उसके लिए हमें गहनता की आवश्यकता होती है। गहन यानी कि हम उस चीज को डीपली समझने की कोशिश करते हैं, उसका गहन अध्ययन करते हैं, तर्क देते हैं, और हम इस चीज का, और इस गहन शब्द के लिए अगर हम देखें तो जो गहन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वो क्या था, लिपिंग ने। एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस शब्द का सबसे पहले, लिपिंग जो यूनानी थे, इन्होंने ये सबसे पहले लिपिंग शब्द का, यानी लिपिंग का अर्थ होता है गहन, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। और ये किसके लिए किया, इन्होंने अपने गणित के लिए जो सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया वो किया, इन्होंने इस शब्द का जो प्रयोग किया था वो गणित विषय के अध्ययन के लिए कहा। उन्होंने ये कहा कि जो हमारे गणित जो है, हमारी मैथ जो है, उसको हमें गहनता से समझने की आवश्यकता होती है। अब गहनता से समझने के लिए इन्होंने अपने एक स्तर डिवाइड किया था जिसे कहते हैं प्राथमिक स्तर, कहते हैं हम उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक। तो इन्होंने कहा था कि सबसे पहले अगर हम देखते हैं जब बच्चा स्कूल जाता है तो सबसे पहले वो गहनता क्या करता है, हम क्या सिखाते हैं उसको, काउंटिंग यानी कि नंबर, हम यही उनको काउंटिंग सिखाते हैं। उसके बाद में हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि अगर हमने एक में एक प्लस किया तो क्या आता है, दो। इस प्लस का, इस एक को जोड़ने का जो उन्होंने गहनता से अध्ययन किया, किस तरीके से हम बच्चे को समझा सकते हैं, उन्होंने नए नए इसके लिए आविष्कार किए। तो कहते हैं कि गहन पाठ्य सामग्री ज्ञान, और गहन शब्द का अर्थ इन्होंने लिपिंग ने किया था। इसीलिए इसे हम कहते हैं कि जब सबसे पहले हम छात्र के स्तर के आधार पर पाठ्यक्रम करते हैं, फिर हम क्या लाते हैं कि उन्नत पाठ्यक्रम होना चाहिए, फिर आता है हमारा गहन पाठ्य सामग्री ज्ञान। ये हमारे हैं इसके घटक के, इसके आधार पर हम पाठ्य सामग्री ज्ञान तैयार करते हैं। जब भी हम कोई कंटेंट के लिए कोई भी सामग्री तैयार करते हैं तो ये सामग्री हम इस स्तर पर तैयार करते हैं। ये हमारे पाठ्य सामग्री का, जो हमारा पाठ्य सामग्री ज्ञान होते हैं उनके लिए हम तीन बिंदुओं के आधार पर हम अपनी सामग्रियों की आवश्यकताओं का चयन करते हैं। अब आता है हमारा पाठ्य सामग्री चयन, यानी कि जो हम पाठ्य सामग्रियों का चयन करते हैं वो किस आधार पर करते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनके क्या मापदंड होते हैं। तो ये है हमारा जो पाठ्य सामग्री ज्ञान की विशेषताएं, पाठ्य सामग्री ज्ञान की विशेषताएं कि इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहले हम देखें तो ये होता है आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यानी कि ये स्टूडेंट को क्या बना देता है, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भरता, यानी कि शिक्षक भी आत्मनिर्भर बनते हैं और स्टूडेंट भी। यानी जो कंटेंट हम तैयार करके लेके जाते हैं वो कंटेंट जो हम पढ़ाने के लिए बच्चों को देते हैं, बच्चे उसको पढ़ते हैं, हम उसको होमवर्क करने के लिए देते हैं, तो वो उन चीज़ों का, नई नई चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ये हमें आत्मनिर्भर बनाते हैं। कहते हैं कि जो हमारा विषय सामग्री है, पाठ्य सामग्री है, वो हमेशा शिक्षक को भी और स्टूडेंट को भी आत्मनिर्भर बनाता है, यानी कि सेल्फ खुद के कि वो किस तरीके से उन कार्य को करें। हम देखते हैं कि आज हम जब बच्चों को पढ़ाने के बाद में होमवर्क देते हैं, उन पाठ्य सामग्रियों का प्रयोग करते हुए तो बच्चे भी
करते हैं और सीखते हैं, जब स्टूडेंट ने सिखाया है और वो खुद उसको अप्लाई करते हैं, खुद करने की कोशिश करते हैं। जब खुद करते हैं, सेल्फ करते हैं, तो वो क्या हुआ, आत्मनिर्भर बनाना, यानी बच्चे स्वयं भी उस कार्य को कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा आत्मनिर्भरता, सेकेंड है हमारी वैधता, यानी कि इसमें क्या होता है, शिक्षक है जो हमारे खुद चयनित सामग्रियों का क्या होता है, वो प्रमाणिक, यानी कि जो सामग्री वो प्रयोग में ले रहा है वो प्रमाणिक होती है, और वो प्रमाणिक अगर नहीं भी होती है तो टीचर जब उसको पढ़ाते हैं बच्चे के सामने, तो वो टीचर के द्वारा प्रमाणित किया हुआ हो जाता है, जिससे कि स्टूडेंट उस चीज का भरोसा भी करते हैं। आज हम देखते हैं कि बच्चे जब भी कुछ हम पढ़ाते हैं तो वो टीचर के हर कहे हुए वर्ड को सत्य मानते हैं, तो ये प्रमाणित है कि अगर टीचर इस चीज को प्रयोग में ले रहा है तो वो प्रमाणित है, और हम जब उसको प्रयोग में लेंगे तो वो टीचर के कारण प्रमाणित। तो कहते हैं कि ये जो पाठ्य सामग्री ज्ञान होता है वो एक तरीके से वैध होता है, अर्थात प्रमाणित होता है। थर्ड है हमारा इसमें रुचि, यानी कि इंटरेस्ट। पाठ्य सामग्री ज्ञान जो भी हम इसके अंदर काम में लेते हैं वो क्या करता है, हमारे रुचि जागृत करता है, इंटरेस्ट पैदा करता है। हम देखते हैं कि आज नई नई टेक्निक से छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, कोई चैप्टर हम ले तो उनको पोयम के द्वारा, हम कहीं अल्फाबेट के भी अगर हम नाम सिखाते हैं तो हमने देखा है कि बच्चों को चार्ट लगा के और उसको उनको अलग अलग तरीके से हम सिखाते हैं, चाहे उसके लिए हम कहें कि अगर इंटरेस्ट जागृत करना तो हम कहानी के रूप में, कविता के रूप में, गानों के रूप में, इस तरह से बच्चों को इंटरेस्ट जागृत किया जाता है। ये हमारी सामग्री में ही आते हैं, अगर हम इन चीज़ों के इंटरेस्ट जागृत करने के लिए हम इन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, यानी कि ये जो पाठ्य सामग्री होती है ये हमारे कंटेंट में हमारी रुचि इंटरेस्ट जागृत करती है। थर्ड पॉइंट है हमारा उपयोगिता, उपयोगिता यानी कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं, ये कंटेंट की सामग्री पर भी होता है, यानी कि जो सामग्री हम काम में ले रहे हैं क्या वो हमारे विषय वस्तु हमारे पाठ्य के लिए जरूरी है, यानी अर्थात हमको वो उपयोगी बनाता है कि हमें इस कार्य को किस तरीके से करना है, हमें उसकी उपयोगिता के बारे में बताता है कि आगे भी हम इसको किस तरह से उपयोग में ले सकते हैं। तो इसमें ये बताया कि पाठ्य सामग्री ज्ञान हमें हमारी उपयोगिता भी, उस कंटेंट की उपयोगिता, उस सामग्री की उपयोगिता, इन चीज़ों का भी हमें अध्ययन करवाती है। पांचवा पॉइंट है हमारी व्यवहारिकता, व्यवहारिकता यानी इसने बताया कि पाठ्य सामग्री जो हमारी विषय वस्तु है ये ना व्यवहारिक क्या हो गया, व्यवहारिकता क्या हुआ, जो हम पाठ्य सामग्री यानी कि कंटेंट में जो हमारा विषय वस्तु है कंटेंट और हमारे उपयोग में लेने वाली सामग्री, इनके बीच में एक व्यवहार, एक संबंध होता है इनके बीच में, यानी कि कंटेंट को जब तक हम सामग्री यानी कि जिन माध्यम के द्वारा अगर पढ़ाते हैं तो वो कंटेंट हमें उस तरीके से समझ में नहीं आता, और बिना कंटेंट के हमारे वो सामग्री अधूरी होती है, यानी सामग्री का उपयोग तो हम कंटेंट के लिए करते हैं और कंटेंट का उपयोग हम विषय सामग्री के लिए करते हैं। तो कहते हैं कि इनके अंदर एक व्यवहार होता है, जैसे समाज में होता है, समाज, परिवार, स्कूल, विद्यालय, इनमें समाज, इनमें व्यवहारिकता होती है, एक व्यवहार जुड़ा हुआ होता है संबंध, उसी तरह से हमारे जो कंटेंट है उसमें भी ये जुड़ा हुआ होता है। तो कहा जाता है कि ये एक हमारे व्यवहारिकता है, इसको हम कहें तो व्यवहारिकता का नाम देंगे हम वस्तु का जो हम पूर्ण क्रियान्वित करते हैं, यानी कि विषय वस्तु का हम क्रियान्वित जो करते हैं, क्रियान्वित करना कि हमें उसे किस तरीके से सुचारू रूप से चलाना है, ये हमारी व्यवहारिकता पर आता है। सिक्स पॉइंट है हमारा अधिगम योग्यता, अधिगम योग्यता, अधिगम योग्यता यानी कि हम जो सिखा रहे हैं, यानी अधिगम यानी सिखाना कि विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए विषय वस्तु, जिससे कि वो अपने पूर्ण ज्ञान का अध्ययन कर सके या हमारे पूर्ण ज्ञान संबंधी अपने कार्यों को उचित तरीके से समझ सके। यानी अधिगम के लिए हम कहते हैं कि जब हमें कोई टीचर पढ़ाता है तो हमें ऐसा पढ़ाना चाहिए कि जो वो कंटेंट जिस चीज़ के बारे में हमें बताना चाह रहा है वो हम अच्छे से समझ जाए, यानी कि वो विषय वस्तु हमारी ऐसी हो
तरीका होगा तो हम उसे तैयार कर सकते हैं। जो आगे हमारे इसका महत्व, हमने देखा है कि पाठ्य सामग्री का जो भी हमारा महत्व होता है वो क्या होता है, उसके मूल्यांकन पर, उसके मूल्यांकन पर हम देखते हैं कि समझाते हैं हम, समझाने के तरीके के बाद में जो हमारा फीडबैक आता है किसका, स्टूडेंट्स का। अगर हम कहते हैं कि अगर हमारी विषय सामग्री, हमारी पाठ्य सामग्री अच्छी और महत्वपूर्ण होगी तो हमेशा हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, यानी कि बच्चे उन सामग्रियों के माध्यम से इतना अच्छे से समझते हैं कि हमारे उस चीज के बारे में पूर्ण जानकारी होती है, यानी कि महत्व हमारा जो पाठ्य सामग्री का है वो मूल्यांकन पर होता है। जितना अच्छा हमारा उसका मूल्यांकन पॉजिटिव में आएगा उतना ही हम समझ पाएंगे कि पाठ्य सामग्री जो भी हमने काम में ली है वो हमारे लिए एक अच्छी और उचित सामग्री है, जिसके तरीके से हम बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। तो मेरा जो आज का टॉपिक था ये था हमारा पाठ्य सामग्री ज्ञान। सबसे पहले मैंने आपको पाठ्य सामग्री ज्ञान का अर्थ बताया कि पाठ्य सामग्री ज्ञान होता क्या है, तो मैंने ये बताया कि पाठ्य सामग्री ज्ञान हमारा विषय वस्तु संबंधित होता है, कि हमारे कौन कौन से विषय से संबंधित है पाठ्य सामग्री ज्ञान, यानी कि पाठ्य सामग्री, सामग्री का मतलब होता है वस्तु, यानी जिन वस्तुओं का हम पढ़ाने में काम में लेते हैं, जिस अध्ययन, जिसके द्वारा हम अध्ययन करवाते हैं, जिस माध्यम के द्वारा हम अध्ययन करवाते हैं। फिर था मैंने सबसे पहले इसके बाद में इनकी परिभाषा बताई, परिभाषा में मैंने हिल एंड बॉल की बताई कि पाठ्यक्रम विषय सामग्री का ज्ञान ही मूल विषय सामग्री का ज्ञान होता है, ये हमारे हिल एंड बॉल ने बोला। सेकंड जो डेफिनेशन थी वो फेरिन एंड मंडी की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम विषय सामग्री ज्ञान का वास्तव में मूल ज्ञान होता है, यानी कि जो हम कंटेंट कहते हैं, कंटेंट हमारा इसी में ही छुपा हुआ होता है कि जैसा कंटेंट होगा उसी से संबंधित हम हमारी सामग्री काम में लेंगे। इसके बाद में मैंने आपको जो हमारे पाठ्य सामग्री ज्ञान है इनके घटक बताए कि हम जब भी पाठ्य सामग्री लेते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले वस्तुओं का चयन करने से पहले हमें क्या सोचना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ है कि जब हम सोचते हैं, घटक तैयार करते हैं, तो हम सबसे पहले हमारे आता है छात्र स्तर पाठ्यक्रम, कि हमारे छात्र का किस स्तर का पाठ्यक्रम है, उस स्तर के आधार पर हम हमारे पाठ्यक्रमों का चयन करते हैं। फिर था कि हमारे जो छात्र का स्तर होता है वो किस स्तर कहते हैं, कि हर कंपटीशन में हम देखते हैं कि हमारे अलग अलग लेवल का क्वेश्चन, अगर सिंपल तरीके से हम देखें तो हम अगर एक जीके का पार्ट ले तो हो सकता है कि किसी कंपटीशन में हमारे ओनली राजस्थान जीके आए, किसी में हमारे राष्ट्रीय लेवल के यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड जीके आए, तो इसमें कहा गया कि जो हमारा कंटेंट होता है ना वो छात्र के स्तर के अकॉर्डिंग हम उसका चयन करते हैं और उसी के आधार पर हम उन वस्तुओं का भी चयन करते हैं। सेकंड था हमारा उन्नत पाठ्यक्रम, कि हम जो छात्र स्तर तैयार कर रहे हैं, जो पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं वो हमारा होना चाहिए उन्नत, अर्थात हम उसे विस्तार पूर्वक हमें उसको समझना चाहिए कि हम किस तरीके से उसको समझ रहे हैं, उस पाठ्यक्रम को किस तरह से समझ रहे हैं, तो ये कहते हैं कि ये हमारा एक विस्तार पूर्वक अध्ययन होता है। इसका हम यहाँ पर हम छोटे रूप में लेते हैं लेकिन यहाँ पर हम उसको विस्तार से समझते हैं। थर्ड था हमारा इसमें गहन पाठ्यक्रम, कहते हैं कि जब हमारा स्तर गहन यानी कि व्यापक हो जाता है, विस्तार हो जाता है, तो उसके बारे में हमें किस तरह से सोचना पड़ता है, गहनता से, यानी कि बहुत ही चिंतन करके हमें उन चीज़ों को सोचना पड़ता है। अगर गहन समझ को हम समझें इसमें तो सबसे पहले होता है कि हम यहाँ पर अपने विचारों की स्थापना करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ विचारों की स्थापना करते हैं, क्योंकि जब हम गहनता से सोच रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे विचार, यानी कि हम यहाँ गहन किसका कर रहे हैं, हमारे विचारों पर, यानी कि हमारे विचार होने चाहिए। जब विचारों की हम स्थापना करेंगे तो हम उन विचारों को आपस में जोड़ेंगे, विभिन्न विचारों को हम आपस में जोड़ना शुरू कर देंगे, विभिन्न विचारों को आपस में जोड़ना शुरू कर देंगे, यानी कि हम कहते हैं ना कि जो हमारे साथ तर्क वितर्क करना शुरू कर देंगे, हम प्रत्येक विचार को, प्रत्येक चीज को एक दूसरे की चीजों से हम जोड़ना शुरू कर देंगे। जो थर्ड है हमारा, अगर हम इस चीज में देखें कि जब हम विचारों को आपस में जोड़ रहे हैं
अर्थ प्रदान कर देंगे कि ये इसीलिए हम इस कार्य को कर रहे हैं या इसको करने से हमें इस चीज की आवश्यकता की पूर्ति होगी। अर्थात यहाँ हम उस कार्य का अर्थ दे देंगे कि आखिरकार हमारा इस कार्य को करने का क्या अर्थ है, हम इस कार्य को क्यों कर रहे हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताई हमारी विशेषताएं, जो सबसे पहले हमने देखा कि पाठ्य सामग्री हमें क्या करती है, आत्मनिर्भर बनाती है स्टूडेंट को भी और शिक्षक को भी। इसीलिए आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें हमारे पाठ्य सामग्री का चयन करते हैं। सेकंड था हमारा वैधता, अर्थात ये जो पाठ्य सामग्री ज्ञान होता है वो एक तरह से प्रमाणित ज्ञान होता है। शिक्षक उन्हीं चीजों को प्रमाणिकता के तौर पर उन चीजों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है जो कि प्रमाणित होता है। थर्ड था हमारा रुचि, यानी कि पाठ्य सामग्री हमारे क्या करती है, कंटेंट में रुचि जागृत करती है, इंटरेस्ट जागृत करती है। फोर्थ पॉइंट था हमारी उपयोगिता, यानी कि किस समय हमें किस चीज की उपयोगिता है या किस समय हमें किस चीज को उपयोग में लेना चाहिए, ये भी हमारे हमें विषय वस्तु जो हमारी सामग्री है वो हमें इस चीज का प्रयोग करना सिखाती है कि हम आवश्यकता के आधार पर इनका प्रयोग करें। था पांचवा पॉइंट था हमारा व्यवहारिकता, कहते हैं ये हमारा व्यवहार क्या होता है, विषय वस्तु को क्रियान्वित करना कि उसका संबंध हम किस किस से जोड़ते हैं, किस किस से जोड़ते हैं कि हमारा उसमें व्यवहार स्थापित हो, हम उसे क्रियान्वित किस तरीके से करें, कैसे करें, क्यों करें, कब करें, ये हमारे व्यवहारिकता पर है कि हमें इसे आवश्यक इसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। लास्ट पॉइंट था हमारा इसके 6 पॉइंट अधिगम योग्यता, कि यहाँ पाठ्य सामग्री जो बच्चों की क्या होती है, अधिगम यानी कि सीखने की क्षमता को उच्च करती है। हम जितना यहाँ इंटरेस्ट जागृत करेंगे तो इंटरेस्ट के आधार पर बच्चे सीखेंगे कि जैसी विषय वस्तु विषय सामग्री होगी उतना ही उसी तरीके से बच्चे सीखने की कोशिश करेंगे। लास्ट में था हमारा इसका महत्व, महत्व